हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की तरफ से हर समय कोई ना कोई सर्विस लॉन्च किया जाता है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता है कैसे करना है, क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, उज्ज्वला योजना प्रोजेक्ट जो है, इसके बाद है PMSYM, श्रम पोर्टल जैसे बहुत सारे सर्विस, इसके बाद है PMJAY जन आरोग्य योजना। तो इस तरह से बहुत सारे सर्विस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया जाता है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ जाके ये जो काम कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसके मदद से आप आपका जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, सर्विस है, वो क्या है, कैसे आपको मिलेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही पोर्टल में मिल जाएगा। वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, एक ही पोर्टल में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। आप आसानी से आपका जो सर्विस है वो फाइंड कर सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से इसको फाइंड करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोर्टल में जाने के लिए आप लोगों को सिंपली क्लिक लिख देना है कोई भी ब्राउज़र में, आपका आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, आपके पास अगर एक PC है तो इसमें आप चार्ज करके खुद से पता लगा सकते हैं आपके लिए कौन सा सर्विस अवेलेबल है, किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, पोर्टल में लिख देना है myscheme.gov.in। जैसे ये लिख के सर्च करेंगे आप लोगों के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा, फाइंडिंग गवर्नमेंट स्कीम मेड इजी। तो ये जो जब आपके सामने खुल के आ जाएगी, इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे फाइंड स्कीम, तो इसमें आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने दूसरा एक पेज खुल के आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे डालना है, जिसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जितना भी प्रोजेक्ट आपके लिए अवेलेबल है पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो पहले जो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे मेल सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लोगों को सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे मेल सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ देखेंगे आर यू एज इज, तो आपका जो जितना भी एज है, अगर आप 30 हो, 23 हो, जितना भी एज है, एज के हिसाब से आप यहाँ पे आपका एज सिलेक्ट कर लेंगे। एज सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसमें नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही नेक्स्ट करेंगे दूसरा एक पेज आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन डालना है। यहाँ पे देखिए, प्लीज़ सिलेक्ट यू स्टेट, आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, आप कौन स्टेट से स्टेट में से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को फिर सिलेक्ट योर एरिया और रेसिडेंस, आपका जो वहाँ पे रहते हैं वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहर में रहते हैं, वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे आप लोगों के सामने और एक पेज खुल के आ जाएगा, उसमें यू बिलोंग टू, आप जनरल में हो, SC में हो, मतलब शेड्यूल कास्ट में हो, ST में हो, शेड्यूल ट्राइब, वो आप लोगों को आपका जो जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें अगर आपका कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे आपको दूसरा जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, सिंपली आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आप लोगों के सामने और एक पेज खुल के आ जाएगा, आर यू, अगर आप हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। तो नो जैसे करेंगे, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके बाद सिंपली आप लोगों को फिर से नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने और एक पेज खोल के आ जाएगा, आर यू स्टूडेंट, अगर आप इसी वक्त में जिस वक्त ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो स्टूडेंट हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद व्हाट इज़ योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप लोगों को डालना है, आप अगर आप एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, क्या करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद और एक खुल के आ जाएगा, इज योर ऑक्यूपेशन वन ऑफ द फॉलोइंग, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, कौन से काम आप करते हैं, आप क्या हेल्थ वर्कर हो, आर्टिस्ट हो, मतलब जो भी काम करते हो, ड्राइवर या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप काम करते हो उस बारे में यहाँ पे डाल देना है। डू यू बिलोंग टू BPL कैटेगरी, अगर आपका रेशन कार्ड जो है BPL है तो यस करेंगे, अगर APL कुछ और है तो आप नो करेंगे। तो इसके बाद सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके करने के बाद आपके सामने और एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसको आप
फिर से पहले तरह फिल कर देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट करने के बाद हेल्प अस फाइंड योर, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट सर्विस आपके हिसाब से, आपका जो क्राइटेरिया आपने डाला है उसके हिसाब से जितना भी गवर्नमेंट सर्विस आपके लिए अवेलेबल है पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा। ये यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट का सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे तो आप इस लिस्ट में से कोई भी एक सर्विस सिलेक्ट करके उसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर आप चाहे तो एक एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन है, उतना क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या आपको इसमें सुविधा मिलेगा, पूरा इंफॉर्मेशन इसमें रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जितना भी इसकी स्कीम में आप लोगों को मिलेगा पूरा डिटेल्स इसमें रहेगा, पूरा इंफॉर्मेशन जो है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना एज आपको चाहिए, एज तो आपने डाल दिया है, कितना क्या मिलेगा, क्या हेल्प मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ, और इसमें लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें से आप आसानी से आपका जो स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम है, उसका लाभ उठा सकते हैं आसानी से। आप कोई कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उससे नहीं होता है तो आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, इसके बाद कहीं पे जाके इसको एप्लीकेशन करिए, तो आसानी से आपका जो गवर्नमेंट का सर्विस है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्प हुआ है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास रहना ज़रूरी है। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ बने रहिएगा।